हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों यहाँ पे आरपीएफ का रिक्रूटमेंट जो ऑनलाइन शुरू हो जाने वाला था तो आज शुरू हो गया है। 1 जून आज है तो शुरू हो गया। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पूरा, मैं डिटेल्स में बताऊंगा कैसे स्टेप वाइज स्टेप पूरा आपको एप्लीकेशन कैसे डालना है। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा जो कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद आपको एसआई का ऑनलाइन एप्लीकेशन बताऊंगा। दोस्तों दो एप्लीकेशन में आपको पूरा डाल के पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप एप्लीकेशन डालना है तो डाल सकते हो दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ एक लाइक करिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन लोगों को सबको पता चल जाए कि इस कैसे स्टेप वाइज स्टेप आपको एप्लीकेशन डालना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन उनको भी पता चल जाए दोस्तों। तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों सारे दोस्तों के साथ। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। यहाँ पे रेलवे के रिलेटेड मैं पल पल अपडेट, हर मिनट का अपडेट यहाँ पे देता हूँ आपको, कैसे एग्जाम क्रैक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, यहाँ पे दोस्तों एडमिट कैसे, एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हो वीडियो के जरिए में, मेरा यहाँ पे ऑन अकेडमी एप्लीकेशन एक आता है, ऑन अकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको आप ओपन कर लीजिए, उसके बाद तपन घड़े करके सर्च कीजिए दोस्तों। मेरा वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएगा, काफ़ी टेक्निकल जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दोस्तों मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, जो भी अपडेट मैं डालता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सकता है। ऑन अकेडमी एक बेस्ट लर्निंग ऐप दोस्तों, यहाँ पे ओनली एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो यहाँ पे डाला जाता है दोस्तों, जरूर इसको आप जाके फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपकी वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट मैं दे दिया हूँ वहाँ पे जाके खोल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक न्यू रजिस्ट्रेशन करके है और एक रजिस्ट्रेशन जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है, जो एडवर्टाइजमेंट 1/2016 जो आया था, उन लोगों जो लोग अप्लाई किए हैं उन लोगों को अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ओनली आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करिए, इससे क्लिक करने से पहले आप उसको एडवर्टाइजमेंट को पहले एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। ये रहा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे स्पेशियली नोट में लिखा गया है, द फीमेल कैंडिडेट हुए अर्लियर अपडेट इन जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आया था 1/2016 में, तो उन लोगों को ओनली एप्लीकेशन का फी देना पड़ेगा और कुछ देना नहीं पड़ेगा। उससे पहले दोस्तों यहां पे आपको ये देख लीजिए, अप्लाई करने से पहले ये देख लीजिए आपकी कौन सा जोन में आप डाल रहे हो, ग्रुप में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ है। तो आपकी जो जोनल वाइज जो आपकी एग्जाम सेंटर वगैरह ये सारे में एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपकी कौन सा जोन में कहां पे एग्जाम होने वाला है वो सारे वीडियो में बना चुका हूं, जोनल वाइज पोस्ट कितना है वो सारे बता चुका हूं दोस्तों। मेरा चैनल का जाके फॉलो कर सकते हो, पहले इसको देख लीजिए। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगी तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया ना, यहाँ पे ग्रुप जो जैसे कि देख सकते हो ये ग्रुप ए बी सी डी, यहाँ पे आपको जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, आपकी कौन सा ग्रुप में डालना चाहती हो। ग्रुप ए जो है साउथर्न जोन का, सारे साउथ जोन का है। ग्रुप बी में सेंट्रल और वेस्टर्न, मतलब मुंबई साइड, अहमदाबाद साइड, ये सारे साइड ग्रुप बी डाल सकते हो। और दोस्तों ग्रुप सी ईस्टर्न साइड में, वो सारे वेस्ट बंगाल वो वगैरह ईस्टर्न साइड में डाल सकते हो। नॉर्दर्न साइड में ग्रुप डी डाल सकते हो। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ग्रुप ई डाल सकते हो। ग्रुप एफ ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, जो आरपी एसएफ कैंडिडेट के लिए, उन लोगों को आरपी एफ एसएफ जो अप्लाई करना चाहते हो तो वो ग्रुप एफ डाल सकता है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, मैं डालना चाहता हूं सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे जो अहमदाबाद साइड जो है वो वाला डालना चाहता हूं। तो मैं
ग्रुप बी को सिलेक्ट करता हूं दोस्तों। यहां पे ग्रुप बी को मैंने सिलेक्ट किया। ग्रुप बी को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे पढ़ने के लिए दोस्तों बोलता है, आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। आपके क्या क्या मांगा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा आपकी दोस्तों। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, ये सारे पढ़ के मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं इसको पढ़ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, आपको जोन चेंज नहीं कर सकते हो, और यहाँ पे जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर उसको चेंज नहीं कर सकते हो, उसको छोड़ के आप सब चेंज कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, 250 रुपया आपको ज़्यादा लगेगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और तीन जो बताया वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद फोटो क्या क्या लगेगा वो सब मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको, फोटो कैसे सिलेक्ट करना है, क्या सारे फोटो का क्राइटेरिया क्या है, उसका वीडियो भी बना चुका हूँ और एक भी बना दूंगा दोस्तों। तो ये था, ये सारे पढ़ने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे देख लीजिए, यहाँ पे दो एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, आई हैव गॉन थ्रू एंटर एम्प्लॉयमेंट, ये सारे पढ़ने के लिए वो बोल रहा है, पढ़ लीजिए। उसके बाद इसको क्लिक कीजिए, डिक्लेरेशन दो है, उसको क्लिक करने के बाद सबमिट में क्लिक करिए। सबमिट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सारे आपकी जो फॉर्म आ जाएगा इसको भरने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको भर के ही दिखाऊँगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ग्रुप बी, मतलब आपको जो ग्रुप बी में आपको सिलेक्ट किया ना वो ग्रुप बी आ गया, यहाँ पे भी ग्रुप बी आ रहा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यहाँ पे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स जो है आरपीएफ एंड आरपीएसएफ का दो एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें, यहाँ पे मैं सारे इंफॉर्मेशन भरता हूँ। उसके बाद क्या करना पड़ेगा वो सारे मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ मेरा नाम लिखना। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे भर दिया हूँ, फॉर्म भर दिया हूँ। उसके बाद नीचे आपके टेंथ का सर्टिफिकेट मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, यहाँ पे देख सकते हो मैट्रिकुलेशन टेंथ एसएससी रोल नंबर, रोल नंबर मांगेगा, नहीं तो रोल नंबर मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर मत दीजिए, यहाँ पर रोल नंबर जो भी आएगा वो डाल दीजिए। उसके बाद मैट्रिकुलेशन ईयर डाल दीजिए, उसके बाद मोबाइल नंबर और मेल आईडी कंफर्म डालिए। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चर कोड आ रहा है, वो कैप्चर कोड को सही सही से आपको सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। कैप्चर कोड को एंट्री कर दीजिए। एंट्री करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नीचे डिस्क्रिप्शन में डिक्लारेशन फॉर्म होगा, उसको डिक्लारेशन को आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए। डिक्लारेशन करने के बाद आपको कन्फर्म क्लिक टू कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे सारे भरने के बाद आपको क्लिक टू कंटिन्यू में क्लिक करिए। क्लिक टू कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आपकी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है, आपको क्या क्या भरना भर दिया वो सब देख लीजिए, आपको वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद सबमिट में क्लिक कीजिए। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपकी वेरीफाई थ्रू ओटीपी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जितना भी आपको ऑप्शन मतलब मोबाइल नंबर दिया होगा और मेल आईडी होंगे उसमें मेल आया होगा और आपकी मोबाइल नंबर भी मोबाइल को भी ओटीपी आ गया होगा, तो उसको वेरीफाई में क्लिक कीजिए। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद आपको वो सारे ओटीपी आपको मांगेगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो योर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी दीजिए और ओटीपी रिसीव्ड, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो दिया था आपने उसको दे दीजिए। उसके बाद आपके जो ओटीपी रिसीव हुआ है आपकी नंबर पे एक ओटीपी आ गया होगा उसको भी दे दीजिए। ये सारे ओटीपी भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो कैप्चर दिया हुआ है वो कैप्चर को लिखना पड़ेगा, YNSKR यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको लिखने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट में क्लिक कर दीजिए। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ गया है, आपको मोबाइल को भी मैसेज आ जाएगा। लॉगिन करने के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा और जो कैप्चर यहाँ पे दिया हुआ है वो आप दे दीजिए। मैं अभी लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन करने के बाद आपको दिखाता हूँ और क्या क्या डिटेल्स है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो पार्ट टू को आ गया है, पार्ट टू में लॉगिन करना पड़ेगा आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी, ये सारे आपको भरना पड़ेगा दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा दिया हुआ है, ये सारे आपको भरना पड़ेगा। नेशनलिटी आपको इंडियन, रिलीजियन हिंदू है तो हिंदू लगा दीजिए। कम्युनिटी आपकी अनरिजर्व है तो अनरिजर्व लगाइए। एस सी एस टी ओ बी सी,
क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के डिफरेंस मैंने एक वीडियो बता चुका हूँ, क्रीमी लेयर क्या है, नॉन टेक क्रीमी लेयर क्या है, वो भी जाके देख सकते हो। अगर आप एस सी एस टी लगा रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट मांगेगा, तो मैं अनरिजर्व लगाता हूँ, उसके बाद एक्स सर्विस मैन नो है। तो अगर जम्मू और कश्मीर से आप बिलोंग करते हो तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। वेदर यू लाइक टू फी कंसेशन चाहते हो तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे वुड यू लाइक टू फिजिकल मेजरमेंट रिलैक्सेशन, आपकी जो फिजिकल मेजरमेंट रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो इसको यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन रखा जाएगा, आप यहाँ पे कुछ कंडीशन रखा गया है, उसको आप पढ़ के अगर यस लगाना है तो लगा सकते हो। जोन रेलवे प्रिफरेंस, आपको रेलवे का जो जोन प्रिफरेंस है वहाँ पे प्रिफरेंस वन, प्रिफरेंस टू, प्रिफरेंस थ्री, प्रिफरेंस फोर मांग रहा है, तो आपकी जोन कौन सा जोन प्रिफर करोगी पहले। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, मैं आपको बी मैंने अप्लाई किया ना, बी में देख सकते हो आपकी, देख सकते हो सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, चार बोर्ड है, चार जोन है, आपको वो प्रिफरेंस मांग रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो प्रिफरेंस वन में, यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल रेलवे है, साउथ सेंट्रल, मैंने जो चार दिखाया वो आपको यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने सेंट्रल रेलवे पहले लगाया, उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे लगाया, फिर वेस्ट सेंट्रल रेलवे लगाया, उसके बाद डब्ल्यू आर वेस्टर्न रेलवे लगाया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोर्ड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज यहाँ पे मांग रहा है, इसको आप भर दीजिए। उसके बाद यूजी अपर ग्रेजुएट अगर है तो आप, डिग्री है तो डिग्री भरिए, स्टेट जो भी स्टेट है वहाँ से भर दीजिए, उसके बाद क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी भरिए, उसके साथ अदर डिटेल्स जो है आपकी, अदर डिटेल्स में क्या होगा, आपकी जो लैंग्वेज चयन करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो वो आप भर सकते हो, उसके साथ चूज लैंग्वेज, मदर टंग आप भरिए, उसके बाद इंग्लिश के छोड़ के और कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो उसको भी भर दीजिए। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए आपके एड्रेस जहाँ पे रहते हो वहाँ पे एड्रेस डाल के यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। मैं ये सारे भर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको सारे ये दिखाता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी एग्जाम एप्लीकेशन फी जो है अगर आप पे कर रहे हो तो उसके बाद आपको जो कैशबैक होगा उसके लिए ये अकाउंट होल्डर नेम मांग रहा है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर अकाउंट नेम मांग रहा है, और कंफर्म अकाउंट नंबर मांग रहा है, आईएफएससी कोड मांग रहा है, और कंफर्म आईएफएससी कोड मांग रहा है। दोस्तों ये भरने के बाद आपको इसको सेव करके क्लिक करना पड़ेगा, आपकी अकाउंट डिटेल्स हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों पेमेंट ऑप्शन ये मांगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट जो अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद, अकाउंट डिटेल्स क्यों डालते हैं, आपको 250 कैशबैक रहेगा, तो अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद ये मांग रहा है, आपको पेमेंट ऑप्शन मांग रहा है। दोस्तों यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन बैंक के थ्रू कर सकते हो, नहीं तो पोस्टल पोस्ट ऑफिस के थ्रू में कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑफलाइन में पेमेंट कीजिए, अभी ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है, ऑनलाइन शुरू दो तीन दिन लग जाएगा, मैं भी आपको बोलूँगा कि पेमेंट ऑफलाइन में कीजिए। दोस्तों यहाँ पे चालान प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आएगा, प्रिंट को क्लिक कीजिए, तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके वो चालान दिखा देगा आपको, जो ये चालान आपको दिखा देगा, चालान को प्रिंट करके इंडियन पोस्टल को जाके यहाँ पे भर सकते हो, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप डी में जब पेमेंट हो रहा था ना दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट जितना भी हो रहा था उन लोगों का बहुत टाइम फेल्योर हो रहा था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑफलाइन में पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं पेमेंट करने के बाद और एक वीडियो बनाऊँगा, ये सारे लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपकी जनरल नंबर एक ऑफलाइन कर रहे हो तो जनरल नंबर एक जनरेट होगा, जनरल नंबर जनरेट होने के बाद यहाँ पे फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे लॉगआउट ऑप्शन है, तो लॉगआउट करने के बाद फिर एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद पेमेंट की जो वेरीफाई होगा वो आपको जनरल नंबर एक मांगेगा, जनरल नंबर डालने के बाद आपकी
फोटो मांगेगा दोस्तों, अपलोड करने के लिए फोटो मांगेगा। ये सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, जब मेरा पेमेंट हो जाए। आज 1 जून है, ये अभी से पेमेंट शुरू नहीं हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट शुरू हो जाएगा। मैं भी ऑनलाइन पेमेंट कराऊंगा, पर आप लोग ऑफलाइन कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। मेरा कोई जरूरत नहीं है एप्लीकेशन, मैं आपको दिखाने के लिए एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। मैं ऑनलाइन पेमेंट कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा। अगर दोस्तों इतने में थोड़ा सा ट्रस्ट आ रहा है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। आप लोगों के लिए ये मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, आप लोगों के लिए सब कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं पूरा पार्ट 2 लेके आऊँगा, और उसके अगले वीडियो में भी ऐसा ही कैसे आपको डालना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऐसा ही सब इंस्पेक्टर जो RPF का सब इंस्पेक्टर निकला है उसको भी कैसे डालना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।